समोसे की प्लेट हमारे सामने आ गई है, तो गाइस हम क्यों नहीं ट्राई करें, हम भी ट्राई करें। पास्ता समोसा, कोई पता नहीं कौन सा नूडल समोसा, ये अच्छे समोसे। और ये दुकान बड़ी पुरानी है, भैया से पूछते हैं, देखो गर्मा गर्म समोसे जो हैं वो निकल रहे हैं, बोला प्यार नहीं डालते। सुना आपकी दुकान के समोसे बड़े मशहूर हैं। सो हेलो गाइस, दिस इज मीनाक्षी वगैरह एंड यू आर वॉचिंग द चैटर बॉक्स। भाई आज मैं कहाँ पे आई हूँ, मैं करने आई हूँ सरप्राइज विजिट। कहाँ पे? आरसपुरा में। भाई इतने लोग पूछ रहे थे कि आरसपुरा में कब आओगे मैडम, कब आओगे, तो लो भाई मैं आ गई हूँ आज आरसपुरा में। और यहाँ पे मैं एक फूड एक्सप्लोर करने आई हूँ। सुना यहाँ के समोसे जो है एक दुकान के बहुत टेस्ट मिलते हैं। दुकान बिल्कुल मेरे सामने, आप देखो, आओ चखते हैं हम भी समोसे सच में टेस्ट है या हमें झूठ वूट मार देते हैं। आओ गाइस चलते हैं भैया के पास। भाई रश ही बड़ा है यहाँ पे, देखो कितना रश। चलो भाई ये दुकान है, हेलो। तो गाइस ये दुकान है, भाई लोग जानते हैं मुझे, यहाँ पे भी देखो बड़ा अच्छा फील होता है। ये दुकान है, यहाँ पे मिलते हैं बहुत ही अच्छे समोसे। और ये दुकान बड़ी पुरानी है, भैया से पूछते हैं कितने साल पुरानी दुकान है, आइए बातचीत करते हैं। हेलो भैया, क्या हाल है? बस बढ़िया भैया। सुना आपकी दुकान के समोसे बड़े मशहूर हैं? यहाँ लोग बोलते हैं, लोग सही बोलते हैं, लोग बोलते हैं, हाँ सही। अच्छा तो मुझे सबसे पहले ये बताओ आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंकज। पंकज, अच्छा पंकज जी आप ऐसा क्या डालते हो समोसों में जो आपके समोसे इतने यू नो फेमस हैं? नहीं डालते कुछ नहीं है, सिर्फ फ्रेश फ्रेश बनाते हैं और फ्रेश फ्रेश देते हैं लोगों को। कोई प्यार श्यार नहीं डालते? प्याज तो डालता ही डालता है इसमें। प्याज नहीं, मैं बोला प्यार नहीं डालते? प्यार तो डालते हैं, प्यार डालते हो। अच्छा ये बताओ कितने साल पुरानी दुकान है आपकी? ये मेरे पैदा होने से पहले की है, ये कम से कम भी 40 से प्लस की ले लो आप। अच्छा इसके साथ ये 40 प्लस दुकान है, और ये भैया इसके साथ बता रहे हैं कि मैं 40 टप चुका हूँ, हैं ये? जी जी। अच्छा ये देखो गर्मा गर्म समोसे जो हैं वो निकल रहे हैं। अच्छा भैया समोसों में क्या क्या डालते हो? समोसे में आलू ही होता है। आलू के साथ? और आलू, नमक, मिर्च, हल्दी मिर्च वगैरह सब कुछ होता है उसमें। वैसे आजकल ना भैया बड़े अलग अलग तरह के समोसे भी आ गए हैं, पता, कोई पास्ता समोसा, कोई पता नहीं कौन सा नूडल समोसा। आप खाली आलू वाले बनाते हैं? हमारे जैसे शुरू से जैसे चल रहा है हम वैसे ही कर रहे हैं, हमने खुद से कोई डिश नहीं की। नहीं आपको क्या लगता है ये आज के टाइम के समोसे आ गए वो सही है, या फिर जो समोसे आलू वाले वही सही होते हैं? तो ये भी नहीं पूरे कर पा रहे हैं आपके सामने, इसी में बिजी रहते हैं हम। हाँ सही बात है, वो तो है, निकल रहे हैं आपके। देखो यार भैया गर्म गर्म समोसे निकाल रहे हो, साथ में क्या क्या चटनी देते हो ये तो बताओ? चने देते हैं और साथ में चटनी खट्टी देते हैं और मीठी चटनी, प्याज वगैरह ये लगा के। अच्छा ये चने देते हो आप साथ में, ये करना है हम पे चटनी है। अच्छा ये मीठी चटनी है, मीठी चटनी। हाँ ये, हाँ ये चने डाल दी ना, ये मीठी डाल दी, ऊपर खट्टी आ जाएगी, उसके ऊपर प्याज। चटनी कौन सी है? ये वाली खट्टी है, ये खट्टी चटनी है। अब इसके ऊपर प्याज और चम्मच लगा के, प्याज भी प्लेट रेडी। प्याज के एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते आप? नहीं नहीं कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, प्लेट में ही आते हैं। नहीं लेते भाई, भैया के पास इतना रश है, पीछे देखो कितने बंदे खड़े हो गए। अब इनसे भी हम पूछेंगे कि क्या इनको यहाँ के समोसे सही लगते हैं या नहीं। यहाँ पे एक स्टूडेंट खड़ी है, यहाँ से हेलो। हेलो क्या हाल है? ठीक है। क्या नाम है आपका? वंदना। वंदना जी आपने खाए हैं इनकी दुकान के? हाँ, समोसे कैसे लगते हैं? बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। हाँ जी। कंपेयर करा जाए अगर बाकी समोसों को और इस समोसे का? कभी और कोई शॉप से खाए नहीं मैंने, यहाँ से ही खाया है मैक्सिमम। जितनी भी फ्रेंड्स है वो सारे यहाँ पे आते हैं खाने के लिए, छुट्टी के बाद यहाँ के। हाँ यहाँ पे सही है। किसी और से पूछते हैं। नमस्ते अंकल, क्या हाल है? ठीक ठाक जी। क्या नाम तुम्हारा? विजय कुमार। विजय कुमार जी इनकी दुकान से समोसे खाते थे? बड़े बड़े खाते ना हमारे। कितने लगते? सही टेस्टी। टेस्टी? हाँ जी। टेस्टी समोसे। हाँ जी हाँ जी। कितने साल तो खा रहे हो? मेरा मेरी साल मेरी उम्र तो हो गई है कोई 41 साल। 41 साल उम्र? हाँ जी। तो जूदियाला दुकान खोल तो मेरे बाद खोली है दुकान। अच्छा। तो अहीं इत्थों खाने आ। इत्थों दे खांदे। ठीक है। और भी मतलब दोस्त ही लांदे नहीं खाने वास्ते? हां क्यों नहीं लांदे हो? हां जी। चलो ठीक है। भाई देखा आपने रिव्यू, देखा लोगों के कितने सही रिव्यू हैं कि बहुत अच्छे इनको समोसे लगते हैं। तो गाइस हम क्यों नहीं ट्राई करें, हम भी ट्राई करेंगे इनके समोसे। भैया पंकज भैया हमारे लिए भी लगाओ एक प्लेट समोसा, ठीक है? बिल्कुल, हम भी खाएंगे और सही रिव्यू देंगे कि टेस्ट है या नहीं है। ये देखो ये हमारी प्लेट लग रही है भैया। गिरने वाली थी मैं। अच्छा ये हमारी प्लेट लग रही है। ये भैया ने समोसे डाल दिए, चने भी डाल दिए, खट्टी चटनी भी डाल दी, मीठी भी डाल दी, और ये आएगा प्याज। भैया कितने प्यार से स्माइल करके आप चीज़ देते हो, क्या बात है। तो गाइज ये हमारी समोसे की प्लेट हमारे सामने आ गई है, और अंदर आप देखते हो यहाँ पे भैया ने छोटा सा सिटिंग एरिया भी बनाया हुआ है, बहुत अच्छा, यू नो कितना प्यारा लग रहा है। हम भी खाएंगे और आपको बताएंगे टेस्ट है या नहीं है, ठीक है?
तो गाइज ये देखो समोसे की प्लेट हमारे हाथ में आ गई है, मुझसे तो वेट नहीं हो रहा खाने का। तो करते हैं स्टार्ट और आपको बताते हैं कैसे हैं। भाई क्वांटिटी भी इनकी अच्छी है, मुझे आपको प्राइस बताऊंगी भैया से पूछ के कितने। तो गाइज ये समोसा बहुत ज्यादा टेस्ट है सच्ची में। भैया क्या डाला है ऐसा बीच में? कुछ नहीं, भैया सीधा बोल रहे थे कुछ नहीं बस मसाले हैं आलू है। बट सही में यार कई बार कहते हैं ना कि सिंपल चीज़ को भी मतलब कोई इतना डेडिकेटेडली बनाए ना बहुत अच्छी बन जाती है, तो ये भाई कमाल है, बहुत टेस्टी समोसा गाइस। भैया कितने रुपए प्लेट है? 40 रुपए। भाई 40 रुपए की दो समोसे विद चने चटनियाँ प्याज आपको कहीं नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? आरएसपुरा नवा शहर में है ये दुकान, मेन सिटी में। पंकज जी की दुकान है ना भैया? पंकज जी की दुकान पर मिलेगा, बहुत टेस्टी है। मैं तो कहती हूँ नवे शहर वालों आपको तो यू नो सोने पे सुहागा चीज़ मिल गई हुई है, तो आ जाओ भाई खाओ और बाकी की वीडियो के लिए देखते रहो द चैनल वॉक्स। बाय गाइस।